लाइव में मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। अस्पताल चलाना सरकार का काम नहीं, युवक के घर में मिली पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस। 20 वर्षीय अस्पताल चलाना सरकार का काम नहीं है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री से अच्छे धर्मार्थ ट्रस्ट चलाने के लिए सरकारी अस्पतालों को देने का अनुरोध किया। देश में 8 लाख डॉक्टरों की कमी है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकती है। वही सांगे में शालिनी ताई मेगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। चांगल्या चॅरिटेबल ट्रस्टला देऊन सरकारने यातून हळूहळू दूर झालेलं समाजाचं आणि देशाचं हित आहे। कारण सरकारमध्ये आपण तेवढं देऊ शकत नाही सेवा, आणि त्याच रेटवर गरीब लोकांना जर या सेवा मिळाल्या तर मला वाटतं खूप मोठी प्राप्ती होईल या सर्विसेसमध्ये। आता आम्ही 90% लोक झालं पाहिजे असं म्हणतो, त्याच्यामध्ये याचा उल्लेख व्यक्त करायचा मी केला की आज खासगी क्षेत्रातली आरोग्य सेवा मोठी आहे, पण खासगी क्षेत्र हे विकेंद्रित पद्धतीने ग्रामीण भागामध्ये केला जाईल, त्यावेळी त्या ठिकाणी जो रुग्ण आहे त्याची पेईंग कॅपॅसिटी तयार होईल। मोठी मोठी हॉस्पिटल बांधली आणि ते हॉस्पिटल बांधल्यानंतर तिथे जर रुग्ण जाणार नसेल तर खासगी क्षेत्रातलं कोणी तिथे जाणार नाही। पण आज ही जी काही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आहे यांनी प्रत्येक गरीबाला पेईंग कॅपॅसिटी तयार करून दिली आहे। गावातल्या छोट्यातला छोटा माणूस हा देखील 5 लाखापर्यंत उपचार करू शकतो, ही कॅपॅसिटी त्याच्याकडे निर्माण झाली आहे। त्यामुळे आता या आरोग्य सेवेचं विकेंद्रीकरण करण्याकरता किंवा खासगी क्षेत्राला देखील ग्रामीण भागामध्ये गुंतवणूक केली तर त्या गुंतवणुकीवर परतावा येऊ शकतो। आपली हॉस्पिटल रिकामी राहणार नाही, ती अनअफोर्डेबल राहणार नाही, ती एक इनएक्सेसिबल राहणार नाही, तर त्याच्यामध्ये सामान्य माणूस येऊ शकेल। त्यामुळे केवळ यातलं जरी पटका पुलिस द्वारा घर में देसी पिस्तौल छुपा कर रखने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से पिस्तौल समेत 8 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। माल की कीमत 28,000 रुपए। आरोपी का नाम विशाल टावर बताया गया। शहर पुलिस के अपराध शाखा द्वारा एक 20 वर्षीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी किए गए दो वाहन भी जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत 90,000 रुपए बताई गई। आरोपी का नाम दरवनी मोहल्ला शिवाजी नगर निवासी शरद शामराव का ताम बताया गया। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को